नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का अनपुणा सर्वेश्वरी सुमन के रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गणेश जी का बहुत ही प्रिय मोदक गेहूं के आटे से। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इसको कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कैसे ये घर पे महीनों चलने वाला गणेश जी का प्रसाद तैयार करते हैं, वो भी गेहूं के आटे से। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं गणेश जी का प्रिय प्रसाद गेहूं और थोड़ा सा बेसन मिला करके ये मोदक। और ये महीनों चलेगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बनता है और बनाना बेहद आसान है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने गेहूं का आटा एक कटोरी भर के लिया है। ये वजन में 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है और इसी के मापिक मान लीजिए तीन हिस्सा हमारा जो गेहूं का आटा है उसका एक हिस्सा बेसन है। तो बेसन हम डाल दिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि भगवान को चना का दाल भी बहुत पसंद है और गेहूं का अन्न भी बहुत पसंद है, तो दोनों को मिलाकर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम गेहूं और बेसन को मिला करके एक सार कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ गेहूं के आटे से बनाना चाहते हैं तो भी बहुत सुंदर बनता है, बेसन की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो एक चम्मच डाल करके प्रसाद तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हम डालते हैं, पहले मैन देंगे जिससे कि दानेदार हमारा मोदक बनेगा। तो यहाँ पे हम एक चम्मच देसी घी डाल देते हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध यहाँ पे हम तीन चम्मच, छोटे वाले चम्मच से तीन चम्मच डाला है और देसी घी एक चम्मच डाला है। अब इस सब को बढ़िया से मैन दे करके और हम चाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मैन बहुत ही अच्छे से दे दिया है और पूरे आटे में हमारा नमी हो चुका है। अब इसको करना क्या है, देखिए, अगर इसको चालेंगे नहीं तो ये छोटी छोटी जो इसमें गुठली की तरह है ये ऐसे ही रहेगा, भुनेगा तब भी रहेगा। चालने वाली जो कि मोटा इसमें बड़ा बड़ा छेद हो, बारीक वाला नहीं, तो उतना ले लीजिए और इसको अब हम लोग चालेंगे। और जो इसमें छोटे छोटे आपको दाने दिख रहे हैं कड़ की तरह, उसको हम दबाते हुए निकालेंगे। देखिए, जैसे कि इसको हमने चाल, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने चाल लिया है और इसमें आप दाने देखिए, जो पहले का चाले हैं वो पतला है और जो हल्का हल्का रोरी रोरी की तरह हो गया था गोल गोल, उसको जब चाले हैं तो मोटा दाना पड़ा है। अब बहुत ही बढ़िया तैयार है हमारा। अब इसको कढ़ाई में डालेंगे और साथ में घी में डाल करके भूनेंगे। तो यहाँ पे हमने आटा को डाल दिया है कढ़ाई में और अब इसमें भूनना नहीं है अभी फिलहाल में, अभी बस इसको डाल के रखा है गैस जला करके। अब इसमें घी हम डाल देते हैं, पूरा इतना डाल दे रहे हैं, आधी कटोरी हमने घी लिया है देसी और डाल देते हैं। अब इसको बहुत ही बढ़िया से भूनना है दोस्तों हमें, खुशबू आने तक, कलर आने तक, ताकि ये आटा हमारा कच्चा ना रहे और जो हमारा मोदक गणेश जी का प्रिय प्रसाद बने वो बेहद स्वादिष्ट और बेहद लाजवाब बने। तो अब इसको भूनना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है वो भून रहा है दोस्तों, और धीरे धीरे जो घी है ना वो पूरा इसमें अलग हो रहा है। और अभी थोड़ा सा इसे हमें और भूनना पड़ेगा, इसके बाद हम इस पूरे आटे को अलग बर्तन निकालेंगे। पर थोड़ा सा अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा और भूनना पड़ेगा, हल्का सा, दो चार मिनट तक। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा गेहूं का जो आटा है बहुत ही बढ़िया भून चुका है। और अब गैस को बंद कर देते हैं दोस्तों, और या तो आप अभी बहुत कढ़ाई गर्म है, अगर छोड़ देंगे तो नीचे पिपकू जलेगा, और नहीं तो तुरंत इसको किसी थाली या बर्तन में गर्मा गर्म ही इसको अलग निकाल लें, जैसे कि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कढ़ाई में अभी चलाना पड़ेगा हमको कम से कम दो से चार मिनट। तो यहाँ पे हमने इसको थाली में निकाल लिया है और सारे को फैला लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इसको हमें हाथ से बढ़िया से मिला लेना है, जिससे मिलाने से क्या होगा, ये जो घी है ना एकदम से ज्यादा एकदम हलवे की तरह हो जाएगा। और ये मोदक आप महीनों रख दे, दो महीना रख दे, ये मोदक कभी खराब नहीं होता है, ना इसमें पानी है, ना मलाई है दूध की, कुछ भी नहीं है, और एकदम सिर्फ घी, गेहूं के आटे और हल्का सा बेसन डाल के तैयार होता है गणेश जी के लिए। लगातार प्रतिदिन आप 10 दिन तक भी इसका, देखिए ये देख रहे हैं ना, आपको घी इसमें काफी हद तक है, देखिए। तो अब इसका हमें इसमें, अगर आपके पास चीनी का भूरा हो तो अच्छा है, नहीं है तो चीनी को दरदरी पीसिए, बारीक ना पीसिएगा पाउडर की तरह दरदरा। तो यहाँ पे इसी कटोरी से, मान लीजिए पूरा हमारा आटा और बेसन मिला के था डेढ़ कटोरी, तो हम एक कटोरी इसमें कम ज्यादा आप कर सकते हैं चीनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चीनी बचा ले रहे हैं और अब इसको बढ़िया से इसमें है इलायची पाउडर, और अगर आपका और मन कुछ है ड्राई फ्रूट वगैरह डालेगा तो डाल सकते हैं। तो इस मोदक के लिए आप इस पूरे मिश्रण को कम से कम दोस्तों
तीन से चार मिनट हाथ की हथेली पर रगड़ते हुए इसको आप जब ऐसे मलेंगे ना तो इसमें से जितना घी है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और ये बांधने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। महीनों ये चलेगा, अगर आप इसको बना के रख दें तो महीनों चलेगा। खराब होने वाला इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ जो इसको खराब करे। तो अब देखिए पूरा अच्छे से बन रहा है। तो अब इसको मोदक बनाने के लिए पूरा कंप्लीट तैयार है। तो इसको सांचे में डालिए या फिर हाथ से ही मोदक का रूप दीजिए। हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। लड्डू भगवान को बहुत प्रिय है, तो आज हमने गेहूं के आटे का भगवान का प्रिय मोदक बना रहा है हम लोग। और ये सांचे में नहीं बन पाएगा दोस्तों, अगर आप चाहेंगे कि सांचे में डालें तो ये, क्योंकि इतना इसके अंदर घी है ना, ये हलवे की तरह तो है नहीं, इसमें हमने दूध वगैरह कुछ भी नहीं डाला। और सांचे में वही चीज निकलता है जो थोड़ा गीला टाइप में हो, और ये अगर सांचे में हम इसको डालेंगे तो ये सांचे में अलग अलग फटकर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा गणेश जी का बहुत ही स्वादिष्ट मोदक तैयार है दोस्तों। अगर आपको इसको पेड़ा का शेप देना चाहता है तो हंस का हल्का सा इसको देखिए दबा दीजिए। ये बहुत ही सुंदर महीनों चलने वाला पेड़ा भी तैयार हो गया, या फिर आप लड्डू जो पसंद हो वो बना दे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा गणेश जी का प्रिय मोदक गेहूं के आटे से बना हुआ तैयार है। और आप इसको देख सकते हैं दोस्तों कि ये कितना ही दानेदार और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। महीनों दोस्तों आप इसको भोग लगा के महीनों रख सकते हैं, एकदम नहीं खराब होगा। तो दोस्तों आप लोग भोग लगाइए और इस उत्सव का आनंद लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।